मेरा नाम है गुलाम दस्तगीर। मैंने किया है NED यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग 1990 में। उसके बाद में चला गया था KDA कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी। फिर वहाँ से मैं चला गया था अमेरिका मिशिगन यूनिवर्सिटी डिटॉयट। तो अमेरिका से बता रहे हैं, अमेरिका में मेरा एक गोरा मैनेजर था, तो $4,000 तनख्वाह थी। तो मैंने उसको बोला यार कि तो तनख्वाह सारे बिल पे हो जाते हैं, बचता बचाता थोड़ी बहुत सेविंग होती है, तो ये बताओ कि अमीर होने को तरीका बताओ। तो अमेरिकन्स को ज़्यादा पता होता है सब। तो गोरे मैनेजर ने कहा पहले तुम बताओ, तुम पाकिस्तान से हो ना, तो तुम बताओ तुम्हारे मुल्क में अमीर कैसे होते हैं। तो मैंने उसे बताया कि मैंने कहा देखो वहाँ पाकिस्तान में लोग जो अमीर होते हैं ना, वो चोरी करके डाके मार के और रिश्वत लेके अमीर होते हैं। हम लोग तो पाकिस्तान में इस तरह अमीर होते हैं। कहने लगा लो यहाँ से चोरी करके रिश्वत लेके और डाके मार के अमीर होना तो बहुत मुश्किल है, ये तो करना भी मत, तुम अंदर हो जाओ। मैंने कहा इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि बताओ तुम्हारे मुल्क में अमीर कैसे होते हैं। तो कहने लगा हमारे मुल्क में अमीर होने के लिए आपको ये करना पड़ता है कि कोई चीज़ बनाए फिर वो बेचें तो उससे अमीर हो जाएंगे। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने सॉफ्टवेयर बनाया ना विंडो, ऐसे बना लो विंडो बेचो तो अमीर हो जाओगे। फेसबुक ने वेबसाइट बनाई है, ऐसी वेबसाइट बना लो अमीर हो जाओगे। गूगल ने सर्च इंजन बनाया, ऐसा कोई सर्च इंजन बना लो अमीर हो जाओगे। हमारी कंपनी है बोइंग जो हवाई जहाज़ बनाती है, सारी दुनिया में हवाई जहाज बेचती है, ऐसी कोई हवाई जहाज़ बना लो। ड्रोन का टेक्नोलॉजी सोचता है भी लो, और उसने कहा कि ड्रोन पे काम करो ड्रोन बना लो। तो ये है अमेरिका में अमीर होने का तरीका। अब पाकिस्तान में अमीर होने का तरीका ये है कि चोरी करो, रिश्वत लो, भीख मांग के खा लो और सूद खा लो। तो इस तरीके से पाकिस्तान की इकॉनमी चलती है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि बुराइयों की आरामगाह। अब अमेरिका के अंदर एक चीज़ ये है कि अमेरिका के अंदर ये अमेरिकन जो है ना वो हर चीज़ से पैसा बनाते हैं, कोई काम नहीं छोड़ते, चाहे वो शराब में बेचते हैं, शराब बना लेते हैं, शराब में बेचते हैं, शराब से पैसा बनाते हैं, जुए के अड्डे चला रहे हैं, जुए से पैसा बनाते हैं, चुदाई के अड्डे चला रहे हैं, चुदाई से पैसा बनाते हैं, तो वो कोई पैसा बनाने का ज़रिया नहीं छोड़ते। लेकिन उनको ये पता है कि चोरी करना उससे पैसा नहीं बना देंगे, जो रिश्वत से पैसा नहीं बनाने देंगे किसी को, सूद पर पैसा नहीं, सूद का तो कोई निज़ाम ही नहीं उनके पास। और स्टॉक मार्केट रखिए, आप स्टॉक ले लें और वो बढ़ेंगे या कम होंगे वो आपकी किस्मत है। भीख मांगने को कॉन्सेप्ट ही नहीं, अगर भीख मांगने की ट्राई मारी आपने तो आप जब भीख मांगते पकड़े गए पुलिस उठा के ले जाएगी और आपको 2-3 दिन जेल में रहना पड़ जाएगा, और फिर आपको वो टिकट देंगे कि अगर दोबारा आए दोबारा भीख मांगते पकड़े गए तो लंबे अंदर जाओगे। अब ये चीज़ें जो हैं वो कैसे पता चली अमेरिकन्स को कि भाई चोरी भी नहीं करो, भीख भी नहीं मांगो, रिश्वत भी नहीं खाओ, सूद भी नहीं खाओ। तो ये सारी चीज़ें इनकी तौरात में और इंजील बाइबल में मौजूद हैं। अल्लाह ने इनको 10 कमांडमेंट्स दी थी जिसके अंदर कहा था डू नॉट स्टील, चोरी नहीं करो, डू नॉट लाई, झूठ नहीं बोलो, डू नॉट कमिट एडल्ट्री, जिना नहीं करो, तो डू नॉट किल, कत्ल वारदगरी नहीं करो। तो ये 4 चीज़ें हैं ये। अब 10 कमांडमेंट दी थी, कहा था ये 4 अगर कोई होल्ड कर ले तो ये उसके लिए काफ़ी, तो पूरी 10 की ज़रूरत नहीं है, बस ये 4 ही पकड़ लो
तो इसमें काफ़ी तुम्हारा बचत हो जाएगी तुम्हारी। तो ये चक्कर है इसका। तो अगर ये जो है ना मुसलमान समझते हैं, अब बताते हैं आपको क्या चक्कर है ये। अमेरिका में गरबा था, हम उससे मिलने गए तो उसके 10 गैस स्टेशन थे, ठीक है। तो मैंने उससे ऐसे ही पूछा, मैंने कहा यार तुम ज़कात देते हो? तो उसने बोला नहीं। मैंने कहा नहीं देते ज़कात, कोई बात नहीं, हम वहाँ तो आज़ादी है ना, वहाँ तो झूठ भी नहीं बोलते लोग। तो मैंने कहा क्यों नहीं देते? कह रहा है इसलिए कि ये हमारा हराम का पैसा है, हम यहाँ पे शराबें बेचते हैं, जुए के टिकटें बेचते हैं और दुनिया जहान के गलत काम करते हैं ना, तो इसलिए हम जो है ना ज़कात नहीं देते। क्यों नहीं देते? इसलिए कि अल्लाह ने कहा है कि जो भी हराम के माल पर ज़कात देगा उसकी उसको उसका अजर व सवाब आखरत में नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम हराम कमाते हैं, तो हम हराम के माल पर क्या, हम कोई बेवकूफ़ थोड़ी हैं अल्लाह को ज़कात दें। तो ये अमरीका में अब चलते हैं इंडिया पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लोग जो गवर्नमेंट की जॉब में करते हैं वहाँ पर रिश्वत खाते हैं और चोरियाँ डकैतियाँ मारते हैं इंडिया में, तो बहुत ही मारते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान में सूद खाते हैं, ठीक है। अब इनको ये तो पता है मुसलमानों को इंडिया में पाकिस्तान में कि शराब बेचना जो है उसकी जो आमदनी वो हराम है और जुए की आमदनी भी हराम है और चौदाई घंटा चलाओ तो उससे जो आमदनी होगी वो भी हराम होगी, ठीक है ना। लेकिन इनको ये बात समझ में नहीं आती कि रिश्वत जो है वो भी हराम है, चोरी करना वो भी हराम है, भीख मांग के खाना वो भी हराम है, सूद खाना वो भी हराम है। तो ये चीज़ें इनकी समझ में नहीं आती, तो लगे मैं अपने कामों में। अब इंडिया पाकिस्तान में ये भी है कि भाई वहाँ पे तो 150 करोड़ हैं, यहाँ पाकिस्तान में 25 करोड़ हैं। तो ये पुलिस में हर बंदे जाता है तो वो ये क्या करते हैं, ये 25 करोड़ पाकिस्तानी चोरियाँ करते हैं, इनकी पुलिस पकड़ती है इनको, इनसे रिश्वत लेती है, छोड़ देती है। तो ये है यहाँ का निज़ाम। तो बाकी जो लोग चोरी नहीं कर सकते, रिश्वत नहीं ले सकते, तो वो रोड पे निकल जाते हैं, भीख मांगते हैं। तो ये तीसरी बुराई है, क्योंकि जो गवर्नमेंट में जॉब करेगा तो रिश्वत उसी को मिलेगी, फिर वो जो गवर्नमेंट में जॉब नहीं करेगा वो चोरी करेगा, और उसके बाद जो चोरी भी नहीं कर सकता है, गवर्नमेंट में जॉब भी नहीं है, उसकी रिश्वत भी नहीं ले सकता, तो फिर वो क्या करेगा, वो भीख मांग के खाएगा। तो ये तीसरी बुराई है। चौथी बुराई जो है वो ये कि अल्लाह ने जिसको पैसा दिया वो बैंक में सेविंग अकाउंट खोल के बैठे हुए हैं और उस पर वो सूद खा रहे हैं। तो ये है इसका तरीका। अब इसमें बता दूं मैं कि ज़कात जो है ना वो रिश्वत के माल पे तो कोई ज़कात नहीं देगा ना, ज़कात देगा भी तो उसको आखिरत में कुछ नहीं, इसका कोई अजर सवाब नहीं मिलेगा। ना ही चोरी के माल पे आप ज़कात देते हैं उसका भी अजर सवाब कोई नहीं है, ना ही आप भीख मांग के खाएंगे तो आपको ज़कात देंगे तो उस पर भी आपकी ज़कात कोई आपको नहीं सवाब नहीं मिलेगा। मरने के बाद अपने जायदाद में आप हिस्सा सबका जब्त करके खा लिया है उस पर भी आपको कोई अजर सवाब नहीं मिलेगा आखिरत में अगर आप ज़कात देंगे। तो ये सारे तरीके अल्लाह की तरफ से। अब इंसान के बनाए हुए तरीके बताते हैं आपको। मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद, मौलाना तारिक जमीर, ये सारी दुनिया के हवाई जहाज में सारी दुनिया के तीन चक्कर लगा के आ गए, ठीक है ना। अब आए तो इनसे पूछो भाई ज़कात आपने ज़कात दी है? तो कहते हैं कि भाई हम तो पूरी दुनिया में हवाई जहाज के तीन चक्कर लगा के आ चुके हैं और हमें तो कोई ऐसा बदला ही नहीं मिला जो ज़कात का मुस्तहिक हो। तो फिर ये ज़कात से बच के निकल गए।
तो ये हलाल के कमा के भी जो है ना ज़कात नहीं देते, उधर हराम का चक्कर हो गया, उधर हराम कमा के भी ज़कात नहीं देते, तो ये इनके कुछ मसाइल हैं। और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे ये पैसे रखते सेविंग अकाउंट में, पहली रमज़ान को ज़कात कटती है, तो कुछ लोग एक ज़कात का सर्टिफिकेट जमा कराते हैं बैंक को कि हम तो अनपेशेंट भी हैं तो हमारी ज़कात नहीं कटेगी, बैंक नहीं काटेगा, हम खुद भी दे देंगे अपने हाथ से। तो वो ज़कात का एक सर्टिफिकेट जमा होता है, तो उससे फिर ये बैंक आपके अकाउंट पे जो पहली रमज़ान को ज़कात होती है ना वो भी काटता है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ही स्मार्ट हैं, वो तो सब वो स्मार्ट अकलमंद ज़हीन बहुत हैं, लेकिन उनसे बड़ा बेवकूफ़ नहीं कोई। वो क्या करते हैं कि पहली रमज़ान से 4-5 दिन पहले अपने अकाउंट सेविंग अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं, और फिर पहली रमज़ान गुजरने के बाद 4-5 रमज़ान को दोबारा अकाउंट में पैसे जमा करा देते हैं ताकि उनको उनकी एक ज़कात जो है पहली रमज़ान को ना कटे। तो ये इसकी बुराई। तो मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपको ज़कात देनी ही नहीं है तो आप ज़कात का सर्टिफिकेट जमा कराएँ ताकि आपको ये पैसे रमज़ान से पहले पैसे निकालें और फिर 4-5 रमज़ान को पैसे दोबारा जमा कराएं, इस चक्कर से बचें। क्योंकि बाद ऐसा होता है कि आप जब पैसे निकालते हैं या पैसे जमा कराते हैं तो उस वक्त चोर डाकू आपको लूट लेते हैं, तो चोरों डाकुओं से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप ज़कात का सर्टिफिकेट जमा कराएं। तो यह है इस तमाम चीज़ों के मसले मसाइल। तो अब देखिए अमेरिका को अगर आप फॉलो करना चाह रहे हैं तो कोशिश करें कि चीज़ें बनाएं। अमेरिका तो देखें पहले शुरू में जब अमेरिका की इकॉनमी डाउन थी तो बिल गेट माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो बनाई ना, तो उससे अमेरिका की इकॉनमी सिर्फ एक विंडो बनाने से अप हो गई। उसके बाद अमेरिकन ये समझ रहे थे कि बस एक बिल गेट आया, अब दोबारा दूसरा बिल गेट अमेरिका में नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद वो आ गया, फेसबुक आ गया, मार्क जकरबर्ग, वो उसका भी बाप है, उसने तो वो तबाही मचाई जो माइक्रोसॉफ्ट ने भी मचाई। फिर अभी ये सिलसिला रुका नहीं था कि आ गया गूगल, आ गया उसने तो सारी दुनिया को लगाया और कमाया। तो इसलिए कहते हैं कि ये जब तक कि आप, अब मैं बता रहा हूँ गोरे मैनेजर ने क्या कहा था उस वक्त, मुझे कहा था कि अगर आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे या वेबसाइट बनाएंगे तब आप आसान काम भी है, और अगर आपकी वेबसाइट या सॉफ्टवेयर हिट हो गया तो आप जो है दुनिया जान का पैसा बनाएंगे। तीसरे नंबर पे अमेरिका में दवाइयों की कंपनियां पैसा बनाती हैं, वो एक दवाई बना लेते हैं कैंसर की और वो फिर सारी दुनिया में बेचते हैं, और $1 की कॉस्ट आती है और $100 की बेचते हैं, तो इतना प्रॉफिट है। और मज़े की बात यह है कि जिस बीमारी का इलाज ही नहीं है उस बीमारी की दवा बनाते हैं और लोग वो दवा लेते भी हैं और सारी दुनिया में लेते हैं, तो उससे ये कमाते हैं। तो देख लें आप, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, दवाइयाँ, ये चीज़ें बना बना के ये सारी दुनिया में बेचते हैं और पैसा बनाते हैं। तो ये है सही तरीका पैसा बनाने का। तो हमेशा मैं कहता हूँ ये चोरी, रिश्वत, सूद, भीख मांग के खाने की छोड़ दें या बीमारियाँ, और आ जाएँ नेकी के रास्ते पर और बनाएं, सॉफ्टवेयर बनाएं, सॉफ्टवेयर नहीं बन रही कोई बात नहीं, वेबसाइट बनाएं, वेबसाइट नहीं बन रही कोई बात नहीं, दवाइयाँ बनाएं, ऐसी कोई एक दवा भी बना लें जो जिससे कैंसर का इलाज हो जाए तो आप समझ लें कि बस काफ़ी है वो दवा। अब कोरोना वायरस की वैक्सीन जिसने बनाई थी फाइजर ने, उन्होंने कमाया दबा के, $1 की वैक्सीन की कॉस्ट थी, $25 की बेची, तो सब सारी दुनिया ने वो वैक्सीन लगाई और बास कंट्रियों को तो अमेरिका ने फ्री में भी दिए। तो ये है इसके चक्कर। तो आई होप कि आपको समझ में आया ही होगी आज की इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन वीडियो का जो मकसद होता है ना
वो होता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो किसी को बुरा भला बोलना नहीं होता, तो जो बुराई है वो तो बुराई है, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे पाकिस्तान की हो, चाहे इंडिया की हो। और अमेरिका की बुराइयों का तो डॉलरों का पर्दा पड़ा हुआ है, क्योंकि वो रिच हैं तो उनके डॉलरों के नीचे उनकी बुराइयाँ दबी हुई हैं। और इंडिया पाकिस्तान की बुराइयाँ जो हैं यहाँ पे गुर्बत है, तो यहाँ पे बिल्कुल वाजे नज़र आती हैं। तो अमेरिका की जो बुराइयाँ वो ऐसी ऐसी बुराइयाँ अमरीका करता है जो आसमानों तक पहुँची हुई हैं। और इंडिया पाकिस्तान की जो बुराइयाँ वो ज़मीन पे हैं, छोटी छोटी बुराइयाँ करते हैं, तो कोई बड़ी बुराई नहीं करते। लेकिन इकॉनमी को रन करने के लिए, खुशहाली को लाने के लिए ज़रूरी है कि आप अमेरिका को फॉलो करें, कोई सॉफ्टवेयर बनाएं, कोई वेबसाइट बनाएं, कोई दवाई बनाएं और उसको बेचे सारी दुनिया में, और दवा का रिजल्ट जो है वो 100% होना चाहिए, ताकि वो जब दवा ली जाए जिस मकसद के लिए तो मकसद हासिल होना चाहिए। तो जब ऐसी दवा आप बना लेंगे तो फिर सारी दुनिया आपसे वो दवा बाय करेगी। तो ये इसका तरीका। अभी इंडिया ने कैंसर की दवाई बनाई थी, लेकिन वो इससे कोई इलाज नहीं हो रहा, उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा मरीज को, तो वो फेल हो गई। तो फेल तो होगी, जब आप सही चीज़ नहीं बनाएंगे तो फिर उसमें आपको, जब आपकी दवा फेल हो जाएगी तो कोई खरीदेगा नहीं, तो समझ लें आप कि आपका क्या हिसाब किताब बनेगा। तो ये थी आज की इंफॉर्मेशन वीडियो, आई होप इस आपको समझ में आई होगी। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।